प्रिया संजय तिवारी के द्वारा मिल रहा आम जन का आशीर्वाद। जबलपुर इंदिरा गांधी वार्ड का भाजपा के पार्षद प्रत्याशी प्रिया संजय तिवारी द्वारा जाकर आम जनों से मिलकर उनकी समस्याओं को बड़े ही ध्यान से सुन रही हैं और आम जन को उनकी हर एक समस्या का निवारण करने के लिए संकल्पित हैं। प्रिया संजय तिवारी ने बताया कि मेरे पति के द्वारा इस वार्ड में हर संभव कार्य कराए गए हैं। कुछ छोटे मोटे जो कार्य छूट गए हैं उन कार्यों को मैं आगे बढ़ाऊंगी और उनका निवारण करके क्षेत्र की आम जनता को विश्वसनीय रूप से पूरा करूंगी। मुझे आम जन का भारी संख्या में समर्थन मिल रहा है। मेरे पति के द्वारा कराए गए कामों के कारण आज आम जन का मुझे भरपूर सहयोग मिल रहा है। मेरे पति ने सत्यता और लगन से इंदिरा गांधी वार्ड की सेवा की है और अगर मुझे भी विजय का आशीर्वाद मिलता है तो मैं भी इंदिरा गांधी वार्ड की जनता की सेवा करूंगी। आज मध्य प्रदेश के भावी मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान गढ़ा क्षेत्र में डॉक्टर जितेंद्र जामदार और सभी पार्षद प्रत्याशियों के लिए आम जनता के बीच आएंगे। हम उनका भव्य रूप से स्वागत कर आनंदित होंगे। शिवराज सिंह चौहान जैसा नेता मध्य प्रदेश के लिए एक वरदान है। पूरा सहयोग मिल रहा है। अभी आप हमारे साथ थे, आपने देखा ही कि हर घर से निकल के लोग हमारे साथ आ रहे हैं। बहुत अच्छा सहयोग मिल रहा है और कुछ है चुनौतियाँ जो हैं, कुछ अधिकारियों के कारण, कुछ लोगों के कारण, जो कल आप एक जो वीडियो चल रहा देख रहे हैं कैसे उन्होंने मोटा पटिया लगा के बंद किया था, जल प्लावन जो हो रहा है उसको रोका गया था। ये संजय जी लगे हुए हैं, इसलिए आज हम लोग खुद जो हमारे कार्यकर्ता बंधु हमारे साथ में हम लोग चल रहे हैं, रुक नहीं रहे हैं। किसी के कुछ करने से हम लोग रुकेंगे नहीं, हम लोग प्रयास करते रहेंगे और हम विकास करेंगे और करते रहेंगे। आज शिवराज सिंह चौहान आ रहे हैं जी, क्या आप उनके स्वागत में जाएंगे और क्या दिशा निर्देश मिले हैं जी? जी हम लोगों को यहाँ से गौतम मढ़िया से हम उनके साथ में होंगे। सब अपने अपने क्षेत्र के पार्षद सब शुरू करेंगे रॉयल स्कूल के गेट से होते हुए बीटी तरह पे हम उनके साथ रहेंगे। हम अपने हमारे वार्ड में वो जो दिया गया है उस पर हम उनके साथ रहेंगे जी। अभी ये जो कल बारिश हुई है, एक घंटे की बारिश में ये जल प्लावन हुआ है, इसके विषय में क्या कहना चाहेंगे? आपने देखा होगा कि सामने वाली पार्टी आधे आधे घुटनों के पानी के ऊपर तक चल रही थी, इसके बारे में आप क्या कहेंगे? जैसा कि आप फेसबुक में एक वीडियो डाला है, गलगुआ ताल के लिए जो अधिकारियों ने वो एक पटिया लगाकर उधर पानी जो जाता था जिसके कारण यहाँ पर पानी भरा, कभी ऐसा कभी इतना पानी नहीं भरा, सिर्फ एक गलती के कारण में, जिसकी हमने FIR करी है उनके खिलाफ, जिसकी पावती ये हमारे पास है। लेकिन हम बहुत कुछ स्थिति कंट्रोल में, लगभग सभी नाली और इनका सर्वे करा दिया गया है, लगभग जितना चौक था सब खुलवा दिया गया है। और संजय तिवारी को इससे कोई चुनौती मिलेगी? नहीं, इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। हमारा पिछले 5 वर्षों का कार्य बहुत अच्छा रहा है और आगे भी जनता हमको पूरा समर्थन दे रही है और आज हमारे प्रदेश के मुखिया माननीय शिवराज सिंह जी का रोड शो है यहाँ पे। जनता निश्चित ही उनको बहुत पसंद करती है और भरपूर आशीर्वाद प्रदान करेगी और प्रचंड मतों से हम यह वार्ड फिर जीतेंगे। महापौर को भी प्रचंड मतों से जिताएंगे। एडवोकेट अनुभव शर्मा, चुनाव प्रभारी, इंदिरा गांधी वार्ड। अभी चुनावी माहौल चल रहा है, जैसा कि हम देख रहे हैं कि सभी आप लोगों के घर द्वार, कांग्रेस, BJP, अन्य दल जो भी हैं, सारे प्रत्याशी आपके घर घर द्वार द्वार आ रहे होंगे, तो इस बार आप किसको समर्थन देना चाहेंगे? समर्थन मेरे को नया चाहिए, बदलाव चाहिए और समर्थन में ऐसा है कि तीर कमान सवाल ही नहीं पैदा होता। क्यों, तीर कमान को क्यों चुनना चाहते हैं? ये वैसे मेरी पुरानी पार्टी थी और बहुत दिन बाद ये चुनाव देखने मिल रहा। मैं अपने दिल की बात बता रहा आपको कि आप जनता, मतलब आप जो आपके वार्ड के कार्य हैं उनको, उनसे ना खुश होने के कारण आप बदलाव ना खुश होने के कारण बदलाव चाहिए। अपना नाम? मेरा नाम प्रमोद कुमार चक्रवर्ती। अपडेट मीडिया के लिए जबलपुर से नरेंद्र कुमार की रिपोर्ट।